हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको पिछले एक माह के टॉप मोस्ट करंट जीके के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो आगामी दो तीन महीने में जितने भी एग्जाम होगी उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन इनमें से रिपीट होते रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 24 सितंबर 2018 को कौन मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ए अब्दुल्ला यामीन, बी इब्राहिम मोहम्मद सोली है, सी फैसल नसीम, डी मोहम्मद अब्दुल्ला यासीन। दोस्तों, इसका आंसर है बी इब्राहिम मोहम्मद सोली है। इसके अलावा इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी माले है, जिसके अभी नए राष्ट्रपति मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोली है निर्वाचित हुए हैं सितंबर में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस फिल्म अभिनेता को दिया गया था? इसका पहला ऑप्शन है ए शशि कपूर, बी विनोद खन्ना, सी राजेश खन्ना, डी ऋषि कपूर। दोस्तों, इसका आंसर है बी विनोद खन्ना। इसके अलावा 2014 में शशि कपूर को यह पुरस्कार पहले ऑलरेडी मिल चुका है। राजेश खन्ना और ऋषि कपूर को अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। उसके अलावा अगर देखें तो ये जो वर्ष 2018 में जो पुरस्कार दिया गया वो वर्ष 2017 के लिए दिया गया था। कब के लिए? 2017 के लिए, और यह 65वां पुरस्कार था, 65वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए और 100 सुवर्ण कमल की प्रतिभा दी जाती है। और इस पुरस्कार की स्थापना सर्वप्रथम 1969 को हुई थी, क्योंकि जो दादा साहब फाल्के का जन्म 1869 को हुआ था, और जब उनके जन्म के 100 साल कंप्लीट हुए तो 1969 से ये पुरस्कार चालू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों, आप सबको पता है कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, और यह 6 कैटेगरी में दिया जाता है हर साल। चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, शांति के लिए और साहित्य के लिए। लेकिन इस बार जो टोटल ये 6 कैटेगरी में से 5 ही कैटेगरियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के लिए ये पुरस्कार इस बार नहीं दिया गया। तो इसका जो आंसर आएगा, इसके जो ऑप्शन है ए तासुकु होंजो, बी नादिया मुराद, सी जेराड मोरू, डी किसी को भी नहीं मिला। तो इस साल यह पुरस्कार किसी को भी नहीं मिला, तो इसमें आंसर आएगा डी किसी को भी नहीं मिला। अब इस साल यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह पुरस्कार है ना 18 सदस्यीय कमेटी है, स्वीडिश कमेटी वो देती है। तो उस कमेटी में एक सदस्य है कटरीना प्रोस्टनेसन, उसके पति है जीन कर्नोल्ड अर्नोल्ड पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा और उनको 2 साल की सजा हो गई। तो इस कारण इस पुरस्कारों में थोड़ा विवाद हो गया था, तो मई में यह डिसाइड हुआ कि साहित्य के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब जो मैंने बाकी के ऑप्शन दिए हैं, तासुकु होंजो, नादिया मुराद, जेराड मोरू, इनको नोबेल पुरस्कार 2018 दिया गया है। कौन से सब्जेक्ट से दिया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तासुकु होंजो को चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तासुकु होंजो को चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके साथ साथ चिकित्सा विज्ञान के लिए जेम्स एलिसन को भी पुरस्कार मिला है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया बी नादिया मुराद, इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ये एक इराकी मानवाधिकार का आयोग की कार्यकर्ता है, और इन्होंने मानवाधिकार के लिए अच्छे काम किए हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला है। इनके साथ साथ जो कांगो गणराज्य है उनके एक डॉक्टर है टेनिस मुकेबरू, उनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2018 में। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है जेराड मोरू, तीसरा ऑप्शन है जेराड मोरू, ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक है। इनको और इनके साथ साथ 2 और वैज्ञानिकों को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके साथ साथ अमेरिका के आर्थर एस्किन और फ्रांस के जेराड मोरू को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर हम रसायन विज्ञान का पुरस्कार का इसमें ऑप्शन में मैंने नहीं डाला, लेकिन मैं बता देता हूँ, रसायन विज्ञान के लिए फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर को यह पुरस्कार मिला है।
इसके अलावा अगर अर्थशास्त्र के लिए देखें ना, तो अर्थशास्त्र के लिए विलियम नॉर्डहॉस और पाल रोमबर, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि इस साल साहित्य के लिए किसी को भी ये पुरस्कार नहीं मिला है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत कौन से राज्य में हुई? निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुई और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, जो पांचवा क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आगामी बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लेना। पांचवा क्वेश्चन है, 13वां G20 शिखर सम्मेलन, G20 का जो 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसके ऑप्शन है वाशिंगटन, लंदन, वियना और ब्यूनस आयर्स। तो ये ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में स्थित है वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था, ब्यूनस आयर्स। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और साथ में योग को भी इस सम्मेलन में बढ़ावा दिया था। और जो सबसे बड़ी बात सम्मेलन की वो थी कि जो इसका 17वां सम्मेलन होगा, 17वां सम्मेलन 2022 में होगा वो भारत में होगा, जो 17वां सम्मेलन होगा 2022 में वो भारत में होगा। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है कि इनकी मेजबानी भारत ने 2022 में प्राप्त की है। जो सट्टा क्वेश्चन है वो देखते हैं, अब जो मैंने बताया ना 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित होगा, तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। और इसमें जो ये पहले इटली में आयोजित होने वाला था, लेकिन 2022 में भारत को स्वतंत्रता के 75 साल कंप्लीट होंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सभी सदस्यों देशों से अपील की थी कि 2022 का जो 75वां शिखर 75, भारत के आज़ादी के 75 साल के होने के बाद जो शिखर सम्मेलन होगा उसको भारत में आयोजित किया जाए। तो और सभी देशों ने उनकी बात मान ली, तो इटली में जो होने था उसको स्थगित करके अब ये नई दिल्ली में होगा 17वां G20 शिखर सम्मेलन। तो आगामी ये चूंकि ये नई दिल्ली में होगा और G20 शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आने वाला है, तो आप अच्छी तरह याद रखना, जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में होगा वो नई दिल्ली में होगा। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप 2018 को कौन से देश ने जीता? इसमें जो पहला ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी भारत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह विश्व कप हर साल 2 वर्ष से आयोजित होता है। 2016 में इसको वेस्ट इंडीज ने जीता था, 2016 के लिए वेस्ट इंडीज ने जीता था, और इस साल के लिए इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और जबकि भारत की बात करें तो भारत इस साल सेमीफाइनल में हार के इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। और जो सेमीफाइनल में भारत को इस बार इंग्लैंड ने हराया, और सेमीफाइनल में भारत को जो मेन हारने का जो रीज़न बताया जा रहा हुआ है कि भारत की जो स्टार खिलाड़ी है मिथाली राज, उनको भारत के कोच रमेश पवार और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल मैच से बाहर रखा, और ये एक काफ़ी भारत के खिलाफ गया ये फैसला। और अभी इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है कि भारत की जो सबसे स्टार खिलाड़ी थी उसको सेमीफाइनल से बाहर क्यों रखा गया। अब इसके बारे में कोच और मिथाली राज में विवाद चल रहा है, जो भारतीय महिला टीम के कोच है रमेश पवार वो, और मिथाली राज में इस बारे में विवाद चल रहा है। अब अच्छी तरह याद रखना कि 7वां ICC महिला 2020 क्रिकेट किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। आठवां क्वेश्चन है, भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित हुआ? ए कोलकाता, बी गुवाहाटी, सी नई दिल्ली और डी पणजी। तो यह डी पणजी में आयोजित हुआ, जो पणजी गोवा की राजधानी है वहाँ पे यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018। उसके बाद में अगला देखते हैं, यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 14वां हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित हो रहा है? जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि यह जो हॉकी वर्ल्ड कप अभी वर्तमान में चल रहा है वह भारत में आयोजित हो रहा है, लेकिन भारत के कौन से स्थान पर आयोजित हो रहा है इस बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं बता दूं, इसका आंसर है ए भुवनेश्वर। जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है वो भुवनेश्वर में आयोजित हो रहा है, तो आप अच्छी तरह याद कर लेना। और ये भारत में हो रहा है तो इसके क्वेश्चन भी आगामी 2-3 महीनों में जितने भी एग्जाम होगी उनमें इनके क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे हॉकी विश्व कप के।
और जो 10वां क्वेश्चन है, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? ए इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, बी नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, सी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, डी थेरेसा मेरी जो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री है। तो इनमें से जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार 2018 पुरस्कार देने की घोषणा अक्टूबर में हुई, और यह काफ़ी बड़ा पुरस्कार है और भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, इसलिए यह आगामी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप अच्छी तरह याद कर लेना, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया जाएगा? बी नरेंद्र मोदी को। और दोस्तों इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।